हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में टोला सेवक एवं तालीमी मरकज़ का। मैं यहां पर लेके आ चुका हूं एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि आज का ये अपडेट है 6 अगस्त 2019 का, कि जो है नियोजन समिति का गठन जो है वो हो चुका है गठन, और जो है विज्ञापन आपको इसी सप्ताह में मिल जाएगा। आप लोगों का जो इंतज़ार ख़त्म लगभग हो चुका है, तो इसका पूरा अपडेट जानने के लिए वीडियो को देखिए लास्ट तक। और फ्रेंड्स, टोला सेवक एवं तालीम मरकज़ का मैंने बहुत सारा वीडियो पहले भी अपलोड किया है, और जो भी नया आता है लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोग को देते रहता हूँ। यहाँ पर जो है बिहार में 3000 से अधिक पदों पर जो है टोला सेवक एवं तालीमी मरकज़ का बहाली होने वाला है, और इसको रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था कि शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे क्या है अपडेट मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, कि जो है नियोजन समिति का जो है गठन हो चुका है, अब जो है विज्ञापन आना बाकी है। तो विज्ञापन किस डेट को आएगा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और भी पूरा आगे आप लोग का अप्लाई शुरू कब से होगा, कब तक लास्ट डेट है, ठीक है, नियोजन प्रक्रिया कब तक होगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप चाहते हैं कि जॉब्स के अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले दिखा दो आपको कि झारखंड में जो है एक और नई भर्ती आई है, जो कि झारखंड बनने के बाद पहली बार नियुक्ति हो रही है अंकेक्षक और प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पद पर। और जो ग्रेजुएट है, स्नातक पास है, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो JSSC है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उसके द्वारा जो है ये बहाली होगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाकर देख सकते हैं। और जो बिहार में लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, ऑनलाइन जो आवेदन वो भी शुरू हो चुका है, ग्रामीण डाक सेवक का जो कि 10th पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन जॉब है, 1063 पदों पर, ठीक है। मैंने इसमें फुल डिटेल्स दिया है, और जो लास्ट डेट है वो बहुत लंबा टाइम है, 4 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो ये वीडियो आप जाके जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, आप जाके देखिए। और अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। और बिहार में जो है मदरसों में विज्ञान शिक्षक की बहाली होने वाली है 3300 पदों पर, और जो कि 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, और आप लोग 31 अगस्त तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता क्या है, वेतन क्या मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी है तो वीडियो को आप जरूर देखिए, और ऑनलाइन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इसमें सारा अपडेट दिया है विज्ञान शिक्षक के बारे में, जो कि मदरसा में नियुक्ति होने वाली है, तो जाकर आप वीडियो देख लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको टोला सेवक एवं तालीम मरकज का फुल अपडेट बहाली का, जो कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो है न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ कि जो डेट यहाँ पर है वो आ चुका है आप लोगों को, विज्ञापन का डेट, और क्या क्या आप लोगों का हो चुका है, जो कि प्रोसेस चल रहा है वो मैं बताने के लिए आपको मैं कटिंग पेपर कर लिया हूँ। 3000 जो है शिक्षा सेवक होंगे नियुक्त, ठीक है, और अगले माह विज्ञापन, यानी ये जो पेपर कटिंग है वो आपको जुलाई का है, इस वजह से यहाँ लिख रहा है अगले माह, यानी अगस्त में ये होने के लिए ये कहा गया था। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा अपडेट, देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ सबसे ऊपर में कार्य और तिथि, जो रिक्ति का निर्धारण है वो हो चुका है, जो कि 27 जुलाई को इसका बैठक हुआ था और वो भी हो चुका है। और अब बात करते हैं नियोजन समिति गठन का, वो भी जो है 5 अगस्त यानी कल को इसका बैठक हो चुका है, ठीक है, आज 6 अगस्त है, और जो है नियोजन के लिए समिति का गठन हो चुका है, और जो है विज्ञापन प्रकाशन 10 अगस्त को आप लोग का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को 4 से 5 दिन यानी 1 सप्ताह वेट करना पड़ेगा आप लोग को विज्ञापन का, और जो आप लोग का विज्ञापन आने के बाद से आप लोग का अप्लाई शुरू हो जाएगा, और जो आवेदन प्राप्त करने के डेट लास्ट है वो है 3 सितंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग का जो बनेगा मेरिट लिस्ट वो 9 सितंबर को बनेगा, और जो अंतिम मेगा सूची ये फाइनल बनेगा सब कुछ होने के बाद वो 23 सितंबर को बनेगा, और जो मेगा सूची का अनुमोदन होगा वो 12 अक्टूबर को होगा, और आप लोग को जो ज्वाइनिंग होगा नियोजन पत्र का वितरण वो 25 अक्टूबर तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को यहाँ पर ये अपडेट देना था कि आप लोग को जो है कल को नियोजन समिति का बैठक होकर गठन हो चुका है, और नियोजन का पूरा प्रक्रिया शुरू हो चुका है, और विज्ञापन
इस सप्ताह 5 दिन में यानी 10 तारीख तक आ जाएगा, 10 अगस्त तक, ठीक है फ्रेंड्स। और दिखाते हैं आपको यहाँ अपडेट कि प्रदेश में जो है लगभग 3000 शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज की नियुक्ति होगी और इसके लिए जन शिक्षा निदेशालय ने यहाँ पर देखिए आगे वर्क कैलेंडर जारी कर दिया है और निदेशक कुमार रामानुज द्वारा जारी इस कैलेंडर में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को 10 अगस्त तक नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने को भी कहा गया है, ठीक है। यानी जो हेड ऑफिस है पटना से, वहाँ से पटना के अंतर्गत जितने भी जिले हैं, सॉरी बिहार के अंतर्गत जितने भी जिले हैं, तो सभी जिलों के जो जिला अधिकारी हैं और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सभी को जो है 10 अगस्त तक नियुक्ति के लिए विज्ञापन को प्रकाशित करने के आदेश भी जारी कर दिया है। इसके मैंने आपको दिखाया कि नियोजन का जो समिति का गठन भी हो चुका है 5 अगस्त को और 10 अगस्त तक हर हाल में करने के लिए कहा है, और जबकि 3 सितंबर तक आवेदन को लिए जाएंगे और 31 अक्टूबर तक नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर निदेशालय को इसकी सूचना देने का निर्देश भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कोई आता है अपडेट, सबसे पहले हम आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पल पल का खबर लेके आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके रिगार्डिंग में अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे भी अपडेट मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको समय पर मिलते रहे और आपके हाथ से कोई भी वैकेंसी मिस नहीं हो, और साथ में जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेट कीजिए 4-5 दिन, 10 अगस्त जैसे ही आएगा विज्ञापन, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना के लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके रिगार्डिंग में आपको कोई भी अगर सवाल जहन में हो तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।